एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IOCL रिक्रूटमेंट 2019-20 के लिए आ गई है रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक देखते रहो और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, IOCL रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप करे जाएंगे वो भी बताऊंगा और कौन कौन से इंजीनियर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देख सकते हो आप केमिकल इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपके जो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस है वो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और ये आपका गेट स्कोर के बेसिस पे होगा इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड सबसे पहले आपको मिल सके। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। जानकारी के लिए आप www.iocl.com के वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सारी डिटेल्स दे दी गई है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो एंड तक देखते रहो। ये बता दूँ आपको, ये रिक्रूटमेंट गेट 2020 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बेसिस पे, आपका गेट स्कोर के बेसिस पे, अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो डिटेल्स की बात करें तो एडमिट कार्ड जो गेट का वो है पब्लिश होने की उम्मीद है 4 जनवरी को। तो ये जो आपका IOCL का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 3 जनवरी से आप फिलअप कर सकते हो 2020 के लिए। तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो मैं जागरण जोश की न्यूज़ की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे IOCL रिक्रूटमेंट 2019-20 इंजीनियर्स के लिए आ गई है। तो इंजीनियर्स, रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आई है जो कि गेट 2020 के एग्ज़ाम के थ्रू अब फिलअप की जाएगी, मतलब जॉब दी जाएगी। तो आइए डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पब्लिश की है एक नोटिफिकेशन जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स के लिए है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांचेस के लिए है। सबसे पहले आपका केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड कैंडिडेट्स के लिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका गेट 2020 के स्कोर पे किया जाएगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। IOCL गेट 2020 की रिक्रूटमेंट आपकी ऑनलाइन मोड में होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल स्टार्ट होगा जब आपकी गेट की 2020 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दी जाएगी। कैंडिडेट विल हैव टू रिक्वायर टू अप्लाई गेट 2020 रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे, आप जो आपका एडमिट कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बेसिस पे आप IOCL में अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो गेट 2020 की एडमिट कार्ड उम्मीद की जा रही है कि 4 जनवरी 2020 को रिलीज कर दी जाएगी और आपका जो स्टार्टिंग डेट होगा सबमिशन ऑफ IOCL एप्लीकेशन फॉर्म वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गेट के एडमिट कार्ड के एक दिन पहले से आप अप्लाई कर सकोगे। उसके बाद ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए तो वो देख लेते हैं। ये इंजीनियरिंग ऑफिसर्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब किन पोस्टों के लिए है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया है इंजीनियरिंग ऑफिसर बीटेक और इक्विवेलेंट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, तो जो भी इसके बीच में आते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की तो देख सकते हो आप, एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर कॉरस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2020। तो जो लोग भी गेट के पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग एलिजिबल होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए जो कि IOCL में आपको रिक्रूटमेंट के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज में आपका क्या हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, GT, GT या पर्सनल इंटरव्यू, ये सब आपके हो सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन गेट 2019 स्कोर एंड स्कोर ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन GT, GT एंड PI टेकन टुगेदर। जो आपका गेट स्कोर होगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज में आप लोग ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू दोगे उसके आधार पर आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर उसको उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट आपको IOCL में दिया जाएगा। जानकारी के लिए आप IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सारी जानकारी ले सकते हो। लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर करना दोस्तों, रिक्वेस्ट है, ताकि इससे बहुत सारे बच्चों को मदद मिल पाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।